मेरे सभी नन्हे मुन्ने साथियों का स्वागत करता हूँ। आज की इस कहानी में आप लोगों को बुद्धि की परीक्षा विषय पर ही एक कहानी सुनाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आप लोग समस्त कहानियों की तरह ही पसंद करोगे और उम्मीद करता हूँ कि इसको शेयर जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे। तो चलिए समझते हैं क्या है कहानी। एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी, उसका वंश चलाने के लिए कोई भी आगे उसकी संतान नहीं थी और उस राजा की उम्र ढलती जा रही थी, बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था। उसने बहुत प्रयास किए, कई हकीमों वैद्यों को दिखाया परंतु नतीजा नकारात्मक ही रहा। उसकी कोई भी संतान नहीं उत्पन्न हो सकी, कोई भी संतान नहीं आ सकी और नतीजा विफल रहा। उसको चिंता सताने लगी कि किस प्रकार से उसका राजपाट कौन संभालेगा। जी हाँ बिल्कुल, राजा को चिंता सताने लगी कि उसके बाद उसका राजपाट कौन संभालेगा। इसी चिंता को देखते हुए उसके मन में एक उपाय सुझा कि महल के भीतर क्यों ना एक नया महल बनवाया जाए और उसके मुख्य द्वार पर बीजगणित का एक सूत्र, एक फार्मूला लिखवाया जाए और पूरे राज्य में ये कह दिया जाए कि जो कोई व्यक्ति भी इस फॉर्मूले को हल कर लेगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा, वही इस महल का स्वामी हो जाएगा और वही इस राज्य पर अपना अधिकार करेगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कितनी अच्छी बात थी उस राजा की कि एक नया महल बनवा दिया जाना चाहिए इस महल के नीचे और एक फॉर्मूले की सहायता से उसको जो कोई भी हल करेगा उसी को ये राज्य दरबार दे दिया जाएगा, राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात, हर कोई प्रयास करेगा उस दरवाजे को खोलने का, उस फॉर्मूले को सॉल्व करने का। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अब पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े विद्वान पहुंचने लगे और पहुंचकर उस सूत्र को, उस फॉर्मूले को हल करने का प्रयास करने लगे किंतु हल नहीं कर सके। जी हाँ बिल्कुल हल नहीं कर सके, वो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल सके। राजा की चिंता इस प्रकार बढ़ने लगी, जब कोई उस दरवाजे को खोल नहीं सका राजा की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद प्रयास करने वाले बंद हो गए आने, धीरे धीरे घटते चले गए, संख्या घटती चली गई, बीजगणित फॉर्मूला कोई भी हल करने के लिए आगे नहीं आने लगा। उस केस में उस बार राजा ने पास के समस्त राज्यों में भी ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रलोभन अच्छा था, बहुत से लोग आने लगे, किसी से भी सूत्र वो फॉर्मूला हल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग कम हो गए, धीरे धीरे संख्या घटने लगी। एक दिन केवल दो लोग ही पहुंचे जिनमें से एक गणितज्ञ था और एक साधारण सा व्यक्ति। जी हाँ, एक गणितज्ञ था और एक साधारण युवक था। युवक के जीर्ण शीर्ण वस्त्र देखकर, फटे पुराने वस्त्र देखकर द्वारपाल उसे क्रोधित हो गए और उसको भगाने लगे, तुमसे ना हो सकेगा, चले जाओ, लौट जाओ, तुमसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गणितज्ञ यहाँ आए और अपनी बुद्धिमत्ता को परख कर यहाँ से वापस चले गए, नहीं खोल पाए इस द्वार को और वापस चले गए, तुम भी चले जाओ। इस प्रकार द्वारपाल ने उस युवक से, उस साधारण युवक से भी कहा, किंतु राजा की दृष्टि उस युवक पे पड़ी जिसको द्वारपाल भगा रहे थे। राजा ने बोला, पहले युवक को अवसर दिया जाना चाहिए, उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि पहले दरवाजा खोलने के लिए उस गणितज्ञ विद्या से वो दरवाजा खोला जाए, उसके द्वारा पहले उसको मौका दिया जाना चाहिए। किंतु युवक बहुत ही नम्रता के साथ बोला, क्या बोला कि पहले आप विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दें क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है, गणितज्ञ है, वो अपने आप में निपुण है, सर्वश्रेष्ठ है, पहले उसको अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वो नहीं खोल पाएगा द्वार
तब मुझे अवसर प्रदान करें, ऐसी मेरी विनती है, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल राजा ने इसी प्रकार किया। राजा ने कहा ठीक है, आप आसन ग्रहण करें, मैं पहले गणितज्ञ को ही मौका देता हूँ, गणितज्ञ को ही मौका देता हूँ। और इस प्रकार वह गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, पर कुछ भी नहीं कर सका। वो दरवाजा वैसा का वैसा ही रहा। अब युवक को बुलाया गया दरवाजा खोलने के लिए, तो युवक ने दरवाजे पर जाकर हाथ लगाकर धक्का दे दिया। कोई भी मंत्र, कोई भी फॉर्मूला को सॉल्व करने का उसने कोई भी प्रयास नहीं किया। सिर्फ वो गया दरवाजे के पास, गया और दरवाजे पर जोर से धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया, द्वार खुल गया। और कितनी अच्छी बात है, द्वार खुलते ही वो महल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा कि किस प्रकार से आपने इस दरवाजे को खोल दिया, ऐसा कोई गणितज्ञ, कोई महान से महान व्यक्ति भी नहीं कर सका, किंतु आप साधारण व्यक्ति होकर भी उस दरवाजे को किस प्रकार से खोल ले गए, कृपया करके जरूर बताएं। तो युवक ने कहा कि जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे अपनी गणितज्ञ विद्या, अपने महानतम श्रेष्ठतम प्रयास कर रहे थे, तब मुझे लगा कि यह भी तो हो सकता है कि ये कोई भी फॉर्मूला, कोई भी गणितज्ञ सूत्र ना हो। तो ऐसा मुझे लगा, द्वार पर बुद्धि परखने के लिए तो कहीं ये नहीं लिखा गया, ऐसा मुझको मन में संकल्पना आई, ख्याल आया। मैंने बिल्कुल अपने मन का सुना और धक्का लगाया, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ धक्का लगाया उस दरवाजे पर और द्वार अपने आप खुल गया। जी हाँ, द्वार खुल गया। इससे हमको क्या शिक्षा मिली, ये आप लोग जान गए होंगे कि जी हाँ, जीवन में कई बार हम सभी किसी समस्या से जूझते रहते हैं, हमेशा समस्या में उलझे रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं, बिल्कुल समस्या वो होती ही नहीं, फिर भी हम उस समस्या से उलझे रहते हैं, खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें कोई भी समस्या हो, बिल्कुल उसको ऐसे रिएक्ट करें कि वो मानो कोई समस्या हो ही ना। जी हाँ, आज की शिक्षा इस कहानी से हमें जो मिलती है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस कहानी से ये शिक्षा हासिल की होगी और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, ये पूरी वीडियो समझी, इस वीडियो से जो भी शिक्षा मिली उसको अपने जीवन में उतारा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी मेरे जितने भी दर्शक हैं YouTube पे जो मुझे देखते हैं, लाइव सुनते हैं, उनका धन्यवाद कहता हूँ। आगे और भी कहानियाँ आप लोगों के लिए हैं जिसको आप लोग जरूर सुने। धन्यवाद।